तो सुबह हो ही गई। WWE के अंदर भी दोस्तों ऐसी सुबह जो है वो हो चुकी है, क्योंकि कंपनी दोस्तों जैसी चीजें प्लान कर रही है ना, हमने सोची भी नहीं है और कंपनी दोस्तों हमें दिखाने जा रही है। तो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के साथ साथ बहुत सारी खबरें भी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे उस टीजर की जो कि अभी से ठीक 2 घंटे पहले WWE वालों ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम खबरों की बात कर लेते हैं, बहुत सारी खबरें हैं, धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। सबसे पहली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बैकी लिंच से। तो बैकी लिंच के फैंस दोस्तों बहुत ज्यादा खुश होंगे इस न्यूज को सुन के। मैंने आपको बताया था कि पुरुषों की जो एलिमिनेशन चेंबर है वो जीत सकता है ड्रू मैकइंटायर। हालांकि ऑड्स अभी सामने नहीं आए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इस वक्त क्या माना जा रहा है विद इन कंपनी। लेकिन विद इन कंपनी एलिमिनेशन चेंबर कौन जीत सकता है, क्या खुशपुस चल रही है? तो गाइस बैकी लिंच वो नाम है जो कि बताया जा रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर जीतने वाली है। इस चीज की पुष्टि दोस्तों इस बात से भी लगती है कि WWE वालों ने दोस्तों कॉन्फ्रेंस में जो रिया है उनके सामने बैकी को सीधे रख दिया। वहां लिव भी हो सकती थी, कोई और भी हो सकता था, लेकिन बैकी को सामने फेस ऑफ करवाना, कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का प्लान यही है कि यही मैच करवाना है। दूसरी न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सेमी ज़ेन से। सेमी ज़ेन दोस्तों हार गए, एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर था ऑटन के खिलाफ, आरकेओ लगा, हार गए। लेकिन अच्छी न्यूज क्या है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए दोस्तों उन्हें जल्द आगे किया जाएगा और अभी दोस्तों उनके लिए कंपनी के पास बहुत सारी पिचेस है, बहुत सारी स्टोरी लाइन्स है। तीसरी अपडेट जुड़ी है दोस्तों जे उसो से। तो जे उसो का दोस्तों बताया जा रहा है कि शायद से इस रॉ के अंदर दोस्तों कंफर्म हो जाएगा मैच, जे उसो वर्सेस गंथर होना है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि गंथर जो है उनका वीजा नहीं लग सकता है पर्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो यहां दोस्तों उनका मैच रॉ के ही किसी एक एपिसोड में देखना होगा। इससे अगली न्यूज जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों नाया वर्सेस रिया से। तो ये मैच दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर में होने वाला, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है गाइस कि जो मैच रहेगा ना ये मेन इवेंट में होगा, ना ही रोमन, ना ही रॉक, ना ही कोडी। जो युवती एलिमिनेशन चेंबर को मेन इवेंट करेगी वो है रिया रिपली। तो रिया ब्लडी रिपली पर्थ ऑस्ट्रेलिया यानी कि अपने घर में मेन इवेंट करने जा रही है, जो कि दोस्तों इस बात का सूचक है कि वो कितनी बड़ी प्लेयर है। तो ये सारी अपडेट दोस्तों दी है प्रो रेसलिंग स्कूप्स ने। तो ऐसे में शाउट आउट टू प्रो रेसलिंग स्कूप्स। हम बात करेंगे दोस्तों अब आज की अपनी ऐसी खबरों की जो कि इससे ज्यादा बड़ी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज हमारी आज की जुड़ी हुई है डकोटा काय से। डकोटा काय ने अपनी नई टीम का नाम घोषित कर दिया है। चीज दोस्तों खुद डकोटा काय ने ट्वीट और इंस्टाग्राम पर बताई है। यहां उन्होंने बेली के साथ जो एक कोलिशन बनाया है डैमेज कंट्रोल से बाहर होने के बाद, इसका नाम उन्होंने दिया है बेकोटा। तो बेकोटा दोस्तों अजीबोगरीब नाम है, लेकिन डकोटा ने रखा है। बेली को परेशानी अगर नहीं होती इस नाम से तो शायद ये आगे एक साथ दिखाई भी दे। हालांकि डकोटा काय की नियत में कुछ ना कुछ दोस्तों खोट है ऐसा मुझे लगता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर को दोस्तों WWE वाले रिप्लेस करना शुरू कर चुके हैं, मैं कल वाली वीडियो में भी बताया हूं। लेकिन गाइस यहां ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर फैंस बहुत ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। जितने ट्वीट्स, जितने मैसेजेस, जितने दोस्तों मैंने कमेंट्स देखे हैं लेसनर के लिए, मुझे लगता है दोस्तों शायद WWE वालों को ये डिसीजन वापस लेना पड़ जाएगा। हालांकि दोस्तों लेसनर ने कुछ हीनियस क्राइम नहीं किया है, क्योंकि ये जो क्राइम था इनमें उनका बॉस उनके साथ था। यहां WWE वालों को चाहिए कि लेसनर को दोस्तों इस तरीके से ट्रीट ना करें। यहां फैंस की दोस्तों जिस तरीके की हेट मिल रही है कंपनी को, आई थिंक दोस्तों ये चीज हो सकती है कि लेसनर को पूरे तरीके से रिमूव ना किया जाए। तो ये काफी अच्छी अपडेट है। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की जो कि गाइस थोड़ी सी सैड करने वाली है। AJ स्टाइल्स दोस्तों मेरे सेकंड फेवरेट सुपरस्टार है। फर्स्ट कौन है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। AJ स्टाइल्स पर क्या अपडेट है कि गाइस शायद से वो अपना स्टेबल नहीं बनाने वाले हैं फिर से। AJ को
ओसी अपनी ओर करने में लगी हुई है। बीते 3 हफ्तों से देख रहे हैं बैक स्टेज, उसे बात करने की कोशिश की है कार्ल एंडरसन एंड ल्यूक गैलोस ने, लेकिन एजे उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या अपडेट है? अपडेट यह है कि ओसी के साथ एजे स्टाइल्स का रिलेशन खत्म हो चुका है। विद इन कंपनी ऑन वेबसाइट उन्हें ओसी का पार्ट नहीं बताया जा रहा है। तो इट्स ऑफिशियल, एजे स्टाइल्स अब एक्चुअल में दोस्तों टीएनए वाला लोन वुल्फ बन गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है निक एल्डिस से। तो कल वाली वीडियो दोस्तों आपने जरूर देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां मैंने बताया था कि अगर ट्रिपल एच फाइट नहीं करते हैं तो कौन फाइट कर सकता है, निक एल्डिस फाइट कर सकते हैं। और आज दोस्तों अपडेट आ भी गई है, निक एल्डिस दोस्तों सेट टू रेसल है, यानी रेडी टू रेसल है। माना दोस्तों उन्हें क्लियरेंस मिल गई है कंपनी के साथ। इवन सोर्सेस इंडिकेट कर रहे हैं कि उनका एक टॉप फ्यूड कंपनी के अंदर जल्द शुरू भी होने वाला है। तो ये जीएम जो कि दोस्तों कोट पहनकर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक्चुअल में रेसलर है और फॉर्मर टीएनए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी है, जल्द दोस्तों रेसल करने वाला है, इस चीज से पता चलता है। वेल अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेमियन प्रीस्ट की। कल मैंने आपको बताया था कि डेमियन प्रीस्ट जो है अब कुछ ही दिन तक मनी इन द बैंक विनर रह पाएंगे। हालांकि मुझे डेज का पता नहीं था, लेकिन आज डेज निकल कर आ चुके हैं कि कितने दिन तक वो चैंपियन हो सकते हैं या फिर कह लीजिए विनर हो सकते हैं मनी इन द बैंक के। 142 दिन बचे हैं सिर्फ, फिर दोस्तों हमें इस ईयर का मनी इन द बैंक देखने को मिलेगा। और ऐसे में दोस्तों जो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस रहता है ना, नल एंड वॉइड हो जाता है। तो या तो दोस्तों ये अगले 142 दिन डेमियन प्रीस्ट के लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि वो कैश इन करके चैंपियन हो जाएंगे, या फिर दोस्तों उन्हें मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को वैसे ही छोड़ना पड़ जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों WWE के उन दो ग्राफिक्स से जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया। शॉर्ट सी अपडेट है और गाइस ये जुड़ी है उसी कॉन्फ्रेंस से जहां रॉक रोमन कोडी के बीच में कांड हुआ था। गाइस वहां नायोमी को फैमिली ट्री में दिखाया गया है। ट्रिनिटी फाटू काफी टाइम से चीज कहती भी आई है कि उन्हें ब्लड लाइन में हिस्सा चाहिए, तो शायद से वह ब्लड लाइन का पार्ट है। ये चीज हमसे छूट गई थी, कवर करनी जरूरी थी। दूसरी चीज जो छूटी वो था कोडी रोमन का पोस्टर। इस पोस्टर में दोस्तों ध्यान देने वाली चीज है कि लेफ्ट एंड पर जो रोमन है उनके ऊपर लिखा हुआ है WWE चैंपियन। माना दोस्तों रूमर्स ट्रू थे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑफिशियली रिटायर हो चुकी है और अब से हमें रोमन को WWE चैंपियन ही कहना होगा। वेल जब कोडी की बात लग रही है तो कल दोस्तों रॉ के अंदर अपेयर होते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ कोडी दोस्तों डिस्कस करेंगे कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, रॉक ने उन्हें क्या कहा एक्चुअल में जो कि माइक ने नहीं पकड़ा, और गाइस साथ ही साथ वो अपने आगे आने वाले प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे। रॉलिंस दोस्तों आकर उनसे बात कर सकते हैं और यहाँ दोस्तों रॉलिंस एंड कोडी के बीच में हमें एक हग भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों 3 और सेगमेंट कन्फर्म हुए हैं। 2 तो दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि क्वालिफाइंग मैचेस है, जहां रीड फेस करने वाले लैशली को आईवार वर्सेस एले नाइट आपको रॉ के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आर्ट्रूथ जो है वो जेडी को फेस करने वाला है, जो कि एक फनी मैच रहेगा। और फिर दोस्तों एक 6-मैन टैग टीम मैच है जिसमें जे एंड न्यू डे मिलके इंपीरियम को फेस करने वाले हैं। वेल ये तो बात रही रॉ की, हम बात कर लेते दोस्तों उस थिंग की जो कि अभी अभी हुई है और काफी शॉक कर गई है। ठीक 2 घंटे पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक टीजर लॉन्च किया और इसमें ये दिखाया जाता है कि वर्ल्ड इज ऑन फॉर रेसलमेनिया एक्सेल, जिसके अंदर यहां काफी शॉकिंगली सेथ रॉलिंस को अगेंस्ट दिखाया जाता है रॉक के। रोमन और कोडी तो दिखाई दिए, वो चीज तो नॉर्मल थी, लेकिन रॉलिंस का रॉक के सामने होना कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात का सबूत है कि अगर जरूरत पड़ती है कोडी को इस मैच के अंदर किसी पार्टनर की जो कि रिंग साइड पर रहे, रॉलिंस हो सकते हैं। नाइट 1 पर दोस्तों उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और ऐसे में नाइट 2 पर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अपने प्लान्स जो है यहां पहले ही ड्रॉप कर दिए हैं। तो रॉक को रॉलिंस के विपरीत दिखाना कहीं ना कहीं सबूत है इस बात का कि चीजें काफी मजेदार होगी। जब मजेदार की बात लग रही है तो ये जो अपडेट मेरे सामने आई है ये गाइस बहुत ज्यादा मजेदार है। 16 का बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया के बाद टर्न करने वाले हैं रोमन रेंस के ऊपर। यस 16 का धोखा देने वाले हैं ट्राइबल चीफ को। बताया ये जा रहा है कि आफ्टर रेसलमेनिया सोलो अपनी राइवलरी का
आरंभ कर सकते हैं और उनके पहले ओपोनेंट उन्हीं के चीफ यानी कि ट्राइबल चीफ रह सकते हैं। जब से रॉक आए हैं उन्होंने सोलो से बात करनी भी बंद कर दी है, उनके पीछे पीछे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि वो उनकी पूंछ हो। सोलो को दोस्तों ये चीज हिट कर सकती है, वो ट्राइबल आया है। ऐसे में दोस्तों बताया ये जा रहा है कि आफ्टर रेसलमेनिया वो अपनी राइवलरी बिल्ड कर सकते हैं अपने ही स्वामी, अपने ही चीफ यानी कि ट्राइबल चीफ के साथ। वेल, इससे दोस्तों एक एक्सपेक्टेशंस ये भी लगती है इन चीजों पर कि गाइस वहां वो अपने ही चीफ को धोखा दे सकते हैं। अगर ये होता है तो ये दोस्तों एक बेहतरीन स्टोरी लाइन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर दोस्तों वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कोड़ी को मैच हरवाया था, और इस साल वो व्यक्ति बन सकते हैं जो कि कोड़ी को मैच जितवाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन चीजें दोस्तों इसी ओर जा रही है कि रोमन रेंस को दोस्तों धोखा मिल सकता है। वीडियो आज की इतनी थी, तो पसंद आई हो ज्यादा शेयर करना मत भूलेगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।